शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदनवन झोपड़पट्टी में रहने वाले चार दोस्तों में पैसों को लेकर विवाद बढ़ा और तीन दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी है, जिससे परिसर में खलबली मच गई। नंदनवन पुलिस आगे की जांच कर। नागपुर के नंदनवन झोपड़पट्टी में पैसे के विवाद को लेकर चार दोस्तों में तू तू मैं हुई, जिसके बाद तीन दोस्तों ने अपने एक साथी को डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक का नाम सुनील ज्ञानेश्वर शेंडे उर्फ नौवा बताया जा रहा है, तो आरोपी का नाम संतोष एवले अशोक गोगुदे बताया जा रहा है। हत्या होने के एक दिन पहले आरोपी संतोष एवले किसी निजी दवाखाने में पेट के दर्द को लेकर इलाज के लिए भर्ती था। उसको अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही मृतक सुनील शेंडे और उसका दोस्त अशोक गोगुदे दोनों ने आरोपी को घर में लाया। ये सभी नंदनवन झोपड़पट्टी के निवासी है। घर जाते ही इन्होंने शराब पिया और 2000 रुपए को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी और उसके दोस्त ने मृतक सुनील शेंडे की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही नंदनवन पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। रात्री गेला पी एस आय जाधव हे ड्युटीवर असताना साधारणतः 3 वाजण्या सुमारास 3 इसम पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या एका मित्राचा त्यांनी फोन केलेला आहे हे, आणि ते नंदनवन झोपडपट्टीत स्थळ घटनास्थळ आहे। त्यावरून ड्युटी ऑफिसर जे जाऊन खात्री केली असता त्या ठिकाणी माहिती भेटली की मयत सुनील उर्फ नव्वाद ज्ञानेश्वर शेंडे व जे 3 इसम आलेले होते ते संतोष येवले अशोक गोधुळे आणि उमेश झाडे, तर हे चौघजण रात्री ज्याला संतोष येवलेच्या घरी जेवण करत होते रात्री 12 दरम्यान, तर त्यावेळेस त्यांचा वाद झाला कुठल्या तरी कारणावरून, आणि त्यामध्ये या तिघांनी संतोष अशोक आणि उमेश या तिघांनी मयत सुनील याला लाकडी दांड्याने त्याच्या डोक्यावर प्रहार करून त्याला मारलेले आहे, आणि तिघं जण हे आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात आहेत। अधिक तपास पोलीस करत आहेत। सर, यापूर्वी ते काय सांगते? मृताचा कामधंदा आणि त्यांचे रेकॉर्ड तसेच आरोपीचे रेकॉर्ड याबद्दल अजून आम्ही खात्री करत आहोत, आणि खात्री करून पुढील कारवाई करत आहोत। पैसा और शराब ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिससे प्यार बढ़ता और कम होता है। पैसे का व्यवहार ठीक नहीं होने से इस तरह की घटना होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। नागपुर के नंदनवन पुलिस थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।